अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर जैन समाजाचे संघपती सुरेशचंद्रजी मोतीलालजी ललवाणी हे अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करत असल्यामुळे त्यांच्या जन्मदिनी सकल जैन श्री संघ जामनेर यांच्या वतीने त्यांना समाजरत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले। या प्रसंगी माजी खासदार ईश्वरलाल जैन, नामदार गिरीश महाजन आदी मान्यवरांसह सकल जैन समाज बांधव उपस्थित होते। बल्कि आपले कार्य की शुरुआत या से पूर्ण होने वाली है, शुरू होने वाली है। जोरदार तालियों के साथ हम सरकार सम्मान बहुमान समर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमी, नमो आर्य भूमि जिथे वाड़ लोमी। सुमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात अर्थ विराजित स्टेज पे आज की सत्कार मूर्ति जिनका हम 75th 75वां भी वार दिवस आज मना रहे हैं, हमारे बड़े बाबा साहब सम्मानित रतनलाल जी साहब, दलू बाबा जैन इरिगेशन के चेयरमैन श्री अशोक भाऊ, संपूर्ण मंच और उपस्थित सभी जो भावसाहब पे प्रेम करने वाले पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आए हुए सभी परिवार, सभी समाज के सभीों को मेरा बहुत नमन। भावसाहब सबने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, आपके जैसा आपको ड्रेस कोड में यहाँ पे हम लोग आए कि हम लोग भी आपसे सीखे और हम लोग आगे बढ़े। देखिए स्टेज पे सभी ने यहाँ पे देखेंगे अशोक भाऊ से लेकर के तो सभी ने हमने यहाँ पे आज ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पारस भाऊ, भावसाहब जैसे समय निकलता है समय के साथ में यादें भी बहुत रह जाती है। कई लोगों ने आज हमारे माँ को याद किया, बाबा साहब के आंखों में भी आंसू आ गए बाबा साहब के, क्योंकि वो जगह जो खाली है उनके बाजू में, मैं कब से वहाँ पे बैठ करके मैं वहाँ पे एक कोई पिक्चराइजेशन कर रहा था, किसी को मैं देख रहा था, किसी को मैं मिस कर रहा था, लेकिन अब वो मिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी माँ हमारे सबके दिल में हृदय में है। आपका स्वभाव आपकी वजह से नहीं है, आपका स्वभाव हमारी माँ की वजह से है और मैं उनको यह मामन करता हूँ और उनको नहीं, आपके माँ ने आपको जन्म दिया, आपका साथ मेरे माँ ने दिया। नहीं, आप मेरे से जीत नहीं सकते क्योंकि आप 75 के और मैं भी 50 का भी नहीं हूँ। छोरिया जी मेरे बाजू में बैठे थे, बोले आप तो मैं 84 को ही हुई हूँ। बाबा बहुत लोगों को बहुत बोलना है, हमारी यहाँ पे बहनों ने भी हमारे बहुओं ने भी बहुत अच्छा कहा। ये जलगांव जामनेर नगरी का एक ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद है कि हम बहन बेटियों को इतना आगे बोलने देते हैं, मौका देते हैं। हर परिवार की बेटियों ने बोला, बोरा जी हम सबसे तो ज़्यादा आपने ही बोल लिया, और हम सबको बोलते हैं दो दो मिनट समय का ध्यान रखें। नहीं, एंकर का काम होता है सब चीज़ को ध्यान में रखने का, क्योंकि जो आदमी जितना प्रसिद्ध होता है समय के साथ में, जो आदमी जितना प्रसिद्ध होता है उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। बाबा साहब समय की मर्यादा सभी को है तो मुझे भी है, लेकिन मैं एक ही कहूँगा हमारे दलू बाबा अभी भी इतने यंग है कि हमको सबको देखिए, जैसे दलू बाबा पॉलिटिक्स में नहीं, आज मुझे दादा की भी याद आती है, दादा को कभी हम भूल नहीं सकते। दादा वहाँ नासिक में है तो आज सबके हमारे हृदय में है। आज बाबा भी हमारे भले ही समाज कारण में है, सेवा भावी है, सेवा रत्न है, समाज रत्न है, सभी पद बाबा को भी दिए हैं, लेकिन आज भी अगर देखेंगे दलू बाबा वहां से घुसे तो जैसे कोई शरद पवार नरेंद्र मोदी आते, सबसे जय जी नरेंद्र, इसको बोलेंगे उसको मिलेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, हंसेंगे बोलेंगे, यहाँ बैठे बैठे कम से कम 200 लोगों से उन्होंने जय जी नरेंद्र कर लिया होगा। बाबा का ये बहुत अच्छा एक अपना गुण है कि सबसे मिलते हैं, सबको झुक जाते हैं, नमन करते हैं, जैसे आपका है, आप सबसे खमत खामना करते हो। मोदी जी ने आपसे सीखा, मैंने सपदरा जी की सुना कि आपने चाय पे चर्चा सबसे कब से शुरू की है। बाबा साहब एक दिन मेरे को भी मौका दीजिए आप, लेकिन चाय नहीं, अपन कॉफी पियेंगे, दूध पियेंगे। आप मुझे बुलाए संजय भाई, अपन पापड़ पे चर्चा करेंगे।
क्योंकि यहाँ पापड़ का जो योग है जलगांव जामनेर नगरी का, वो पूरे महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में फेमस एक ही परिवार की वजह से, एक ही स्त्री की वजह से हुआ है और आज घर घर में उसकी बात है, हिंदुस्तान में हमारा पहुंचता है। मैं उनको नमन करूंगा, आप सबको नमन करूंगा, जामनेर नगरी को नमन करूंगा और सबसे बड़ा है ये हमारे जो तरुण वर्ग है, बहन बेटियों ने तो बहुत अच्छा बोला, हमारे भाई अभी ने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने जो संयोजक है वो अपने आप को हर निमित्त में आपके सेवा के लिए आपके जो तैयारी की है, मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग मेरे साथ में हर्ष हर्ष नहीं नहीं मजा नहीं आया, उनकी सेवा देखते हुए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और करिए, अभी हमें भोजन बाकी है। हर्ष हर्ष आप सबको धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। गाँव में जन्मे थे बस इतना ही था, लेकिन संस्कार थे तो उन संस्कारों से सब राजमल जी साहब ने इतना बढ़ावा दिया कि जैन बोर्डिंग स्थापन करी, खानदेश ओसवाल शिक्षण संस्था खुद के 100 बरस पहले 20,000 रुपये दे के एक संस्था शुरू की जो आज भी देश भर में काम करती, उन्हीं 5 जिलों में चलने वाले हमारे बड़े कोठा के स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी साहब के चिरंजीव उन्हीं शायद परिवार के हैं, वे सुरेश जी साहब को उनके है। और जब बड़ा कोठा सुनते हैं तो सही में बड़ा कोठा होता है। हम एक बार खानदेश ओसवाल शिक्षण संस्था के, शायद मैं 2 मिनट ज़्यादा लूँगा, मैं वक्ता तो हूँ नहीं लेकिन बोलना रहता है तो जो अड़म तड़म इधर उधर आता है बोलता हूँ और सबकी सबको मैं गौरव करता हूँ, जैसे मैं आप करूँगा मेरे बहनों का करूँगा, मेरे बहुओं को करूँगा, मेरी बेटियों को करूँगा, इस तरह से वो हम यहाँ से प्रेरणा लेते हैं और जब भी आते हैं तो वहाँ गए बिगड़ रहे हैं सब पूरी यहाँ आ गई। परसों मैं बाकड़ी गया तो वहाँ एक मेरे भाई बंद है, उनकी परिस्थितियाँ ख़राब थी तो मैं उनके पास गया तो वो जामनेर में 25,000 रुपये की महावारी की दुकान लेने के लिए तैयार है कि मतलब यहाँ इतना हमारा समाज प्रबुद्ध है। ये कारण श्री सुरेश जी साहब और आपके सभी सहयोगी को है। जब आज महिलाओं को सुना एक से एक बढ़कर, फिर आप स्वाध्याय में क्यों नहीं जाती? हमारा दूसरा मकसद है कि इस शहर में अगर ये क्षमता है हमारी एक से एक बहू में जो कहाँ की भी हो, आज जामनेर की है, आप जामनेर तहसील के जलगांव जिले की है, तो आप में वो क्षमता है कि आप स्वाध्याय में क्यों नहीं जाती? पेट भी बड़ा बड़ा कोठा, पेट को भी कोठा कहा जाता है, पेट भी बड़ा था और दिल भी उतना ही बड़ा था। वो जो परंपरा थी हमारे उस परिवार की, सुरेश बहुत तो छोटे थे बचपन से, परंतु बड़ों के साथ उनको अपने परिवार को रिप्रेजेंट करना पड़ता था और इसलिए उनका साथ, उनका सानिध्य उनको काफ़ी मिला और बड़े गर्व से मैं कहूँगा कि उन्होंने उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया। जामनेर में श्री संघ के अध्यक्ष ऐसे जो जो व्यक्ति हुए हैं, यह नाम बताया था आदरणीय राजमिल साहब का, राजमिल साहब कभी भी श्री संघ के अध्यक्ष नहीं रहे क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन ही नहीं होते थे, कोई चुना ही नहीं जाता था, मानते भी नहीं थे, बड़े व्यक्ति थे, उनका सम्मान था, सब उनकी अनुज्ञा के अंदर चलते थे। परंतु अध्यक्ष के नाते उन्होंने कभी चुनाव नहीं हुआ, हम सब ने उनको माना। आदरणीय धाड़ीवाल जी साहब थे, मोतीलाल जी साहब धाड़ीवाल, उनके पश्चात मतलब राजमल साहब तो हयात है ना, उन्हीं के सामने उन्होंने वो जिम्मेवारी उनकी तरफ दी, भाई तुम सब समाज को संभाल के लेके साथ में लेके चलना है। उसके बाद चंबाला जी साहब बोरा ने वो जवाबदारी संभाली, किशनलाल जी साहब ने संभाली, एक बहुत बड़ी परंपरा थी इनके पीछे, उस परंपरा को लेकर के सुरेश भाऊ को छोटी उम्र के अंदर, वो लोग तो उम्र में बड़े थे, छोटी उम्र के अंदर इनको वो जिम्मेवारी संभालनी पड़ी और बखूबी उन्होंने उसको निभाया। इसीलिए तो आज आपकी उपस्थिति, आपके दिल से निकले हुए वक्तव्य, आपकी भावनाएं, ये सब वो दिखाती है और उसका मुझे मेरे परिवार को निश्चित ही
बड़ी खुशी है, आनंद है। हमारे जामनेर के सुपुत्र श्री गिरीशो महाजन, जो कि जामनेर के ही अब सिर्फ नहीं रहे, पूरे महाराष्ट्र के हो गए हैं, वो भी आए पधारे इस उपलब्ध इस परिस्थिति के अंदर भी, क्योंकि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको संपर्क करना है, परंतु कार्य संपर्क अभी एक दिन करने से कोई वोट नहीं देता, कार्य हमेशा करना पड़ता है, 5 साल पूरे काम में लगे रहना पड़ता है, तभी जाकर के लोग आपका साथ देते हैं। गिरीश भाव ने अपने 5 साल कैसे निभाए, कैसे उन्होंने काम किया, ये सब आपके सामने है, और जैसा उन्होंने किया है वैसा आपको उनको आशीर्वाद देना है। मैं इस अवधि पर उनका भी श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बात चल रही थी अपने सूरज भाव के बारे में, सूरज भाव ने बड़े छोटी उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाली, बड़े शालीनता के साथ उसको निभाया। बड़ा जो होता है ना, तला जाता है और तभी वो बड़ा बनता है, ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता, तो सूरज भाव भी ऐसे ही तले गए, छोटे मोटों की भी बात सुननी पड़ती थी, उसको पचाना पड़ता था, क्योंकि कोटा भी बड़ा था ना, तो उसको पचाना पड़ता था, सबको साथ में लेके चलना पड़ता था, अपने दिल की बात हो या न हो, परंतु उसका सम्मान करना पड़ता था, और इसी स्वभाव की वजह से सभी ने उनको सम्मान दिया और प्रेम से उनको भावसाब करके पुकारा, संबोधित किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। भावसाब कोई हर किसी को नहीं बोलता, ये कहने के लिए भी लायकात लगती है, और उस लायकात को उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इसीलिए उनको भावसाब कहा गया, उस प्रकार से उन्होंने निभाया इसीलिए उनको भावसाब कहा गया, इसीलिए आज समाज के ये नवयुवक बच्चे, ये आज का समारोह जो हो रहा है कोई बुजुर्ग कर रहा है ऐसा नहीं, नौजवान बच्चे कर रहा है, नवयुवक मंडल कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है, एक आदर्श व्यक्ति हमारे सामने है जिन्होंने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, हमें नेतृत्व दिया, सबको लेके साथ में चले, और इसलिए उनके उम्र के 75 साल में अमृत महोत्सव मनाया जाना चाहिए, और समाज की तरफ से उन्हें समाज गौरव करके, समाज रत्न करके उनको नामांकित किया जाए, गौरवान्वित किया जाए। मैं दलवाणी परिवार की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे परिवार के एक व्यक्ति को सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, और उनको एक अच्छी उपाधि दे करके उनके कार्यों को आपने सराहाया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। समय तो होते जा रहा है, 12 बजते आइए, सूरज भाव को भी अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त करनी है, कई लोगों को उनका सत्कार भी करना होगा, और गिरीश महाजन जो हमारे प्रतिनिधि है यहाँ के, उनको भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। मैं सूरज भाव के बारे में अधिक बोलूँ अच्छा नहीं, अपने खुद के परिवार की, खुद के अपने व्यक्ति की तारीफ करते रहूँ, इससे आप जो कुछ कर रहे हो वो मैं कहने से कुछ ज़्यादा है, यही मानते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, और आगे का आगे के वक्ता को बुला करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए यही अपेक्षा करता हूँ। जय जिने। आदरणीय बाबूजी, आदरणीय बापना जी, आदरणीय दलूभाऊ, श्री मामा ईश्वरजी कोठारी, आमचे मित्र, आमचे स्नेही अशोक भाऊ, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, माझ्यासमोर बसलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाला कसं येता येईल हीच चिंता मला होती। उद्या माननीय मोदीजी जळगावला येत आहेत, त्यांची सभा आहे, ती तयारी चाललेली आहे, निवडणूक 21 तारखेला आहे, मी उमेदवार आहे, पण तो मतदारसंघात मी काही फिरत नाही आहे,
साधना फिरते, तिच्याकडे ती जबाबदारी आहे. त्यामुळे खूप धावपळी चाललेली आहे. पण तो कार्यक्रम सुरेश भाऊंचा होता आणि त्यामुळे नाही म्हणता येत नाही. ज्यावेळेला आपल्या सगळ्यांचे तरुण कार्यकर्ते आमंत्रण द्यायला मला आले, मी आधी म्हटलं मी कुठे असेल सांगता येत नाही. 10-12 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यानंतर मग मोदींचा कार्यक्रम या ठिकाणी आला. सर्व महाराष्ट्रभर दौरा करायचा आहे, फिरायचं आहे. पण उद्या सभा आहे म्हणून आदल्या दिवशी मला इथेच राहावं लागणार होतं. आणि म्हणून मी म्हटलं मी नक्की कार्यक्रमाला येईल. आणि मला वाटतं मी बाहेर जरी कुठे असतो तरी पण मला वाटतं भाऊंच्या कार्यक्रमाला मला यावंच लागलं असत. भाऊ हे कसं व्यक्तिमत्व आहे की भाऊंना एकदा जो माणूस भेटला तो त्यांना कधीच विसरू शकत नाही. मग तो गावातला असेल, तालुक्यातला असेल, जिल्ह्यातला असेल, बाबूजीकडे तो बाहेरचा असेल. म्हणजे असं एक व्यक्तिमत्व आहे, एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व आहे, एक अशी पर्सनॅलिटी आहे जी कागळी वेगळी आहे. खरं म्हणजे भाऊंचा माझा संबंध गेल्या अनेक वर्षांचा आहे. मी इथेच जन्मलेलो, इथेच लहानचा मोठा झालेलो आहे. जन्मभूमी माझी आहे, कर्मभूमी माझी आहे. राजकारणामध्ये पण मी सुरुवातीपासूनच आहे, महाविद्यालयापासून. पण निश्चित भाऊ माझ्याबरोबर नव्हते, आपल्याबरोबर. जिथे बाबूजी तिथे एक सुरेश भाऊ. आणि साहजिक आहे, ते असलंच पाहिजे. त्यांचा स्नेह वेगळा आहे, त्यांचे संबंध वेगळे आहेत, त्यांचे रिलेशन वेगळे आहेत. पण असं असताना सुद्धा मला सुरेश भाऊंबद्दल जो आदर त्यावेळी होता, आजही होता, तो यत्किंचितही कमी झालेला नाही. मी राजकीय दृष्टीने कधी सुरेश भाऊंकडे बघितलेला नाही. प्रत्येक वेळेला मी बघत होतो, साधना उभी राहो, मी उभी राहो, सुरेश भाऊ आमच्या विरोधामध्ये तिथे बूथवर हात जोडत उभे असायचे. घड्याला मत द्या, घड्याला मत द्या, मी समोर असायचो. तरी पण तिथे गेल्यावर मी भाऊची पाया पडणार, आशीर्वाद घेणार. त्यांनी त्यांचं काम करायचं, मी माझं काम करायचं आहे. कधी आमच्यामध्ये कधीच झाला नाही वाद, कधीच झाला नाही. कारण सुरेश भाऊ तुम्ही कधी वाद होऊ शक म्हणजे होऊ देऊ शकतच नाही. सुरेश भाऊंचा स्वभाव, त्यांचं वागणं, त्यांचं बोलणं, त्यांचं चालणं हे इतकं वेगळं आहे, इतकं भिन्न आहे की कधीही कोणाला समोरच्या माणसाला त्यांच्याशी शत्रुत्व करावं असं वाटणारच नाही, कधीच वाटणार नाही. आणि म्हणून मी म्हटलं एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व सुरेश भाऊंचं या ठिकाणी आहे. आणि अशा सुरेश भाऊंचा आपला ज्या ठिकाणी आपण सत्कार करत आहोत, त्यांच्या खरं म्हणजे वय भाऊंचं इतकं वाटतही नाही खरं त्याच्याकडे बघितल्यावर. भाऊ तुम्ही जर पूर्ण डाय केलं केस तर तुम्ही 50च अजून वाटाल मला असं वाटतं. एक आपली स्वतःची एक तब्येत त्यांनी जोपासलेली आहे, एक छबी त्यांनी स्वतःच्या ठिकाणी जोपासलेली आहे. आणि अजूनही प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये, सार्वजनिक कार्यक्रम असेल, कुणाचा घरगुती कार्यक्रम असेल, लग्न कार्य असेल, असं कुठेही नसतं की भाऊ पुढे नसतात. सगळ्यामध्ये अग्रणी भाऊ असतात, सगळ्या व्यवस्थेमध्ये भाऊ पुढे असतात. आणि म्हणून भाऊची एक वेगळी इमेज या ठिकाणी आपल्या समाजामध्ये, या शहरामध्ये, या तालुक्यामध्ये ही आहे हे निश्चित सर्वांना मान्य करावे लागेल. आणि म्हणून आज भाऊंना मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. विशेष करून आमचे तरुण कार्यकर्ते, तरुण मित्र आमचे, की त्यांनी अतिशय चांगला निर्णय घेतला, अतिशय चांगला. खरं अशी जी समाजामध्ये लोक आहेत त्यांचा सत्कार व्हायलाच पाहिजे, त्यांचा गुणगौरव व्हायलाच पाहिजे. लोक मित्र आपण अनेक जण येतो, जन्माला येतो, जातो, वयस्कर होत असतात, परंतु काही माणसं अशी असतात की त्या आपल्या आठवणी समाजामध्ये ठेवून जातात, लोकांमध्ये ठेवून जातात. फार कमी लोक अशी असतात. आणि मला वाटतं त्यातले सुरेश भाऊ एक आहेत, तसेच सुरेश भाऊ एक आहेत. आणि म्हणून त्यांचा गुणगौरव आपण या ठिकाणी केला, त्यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करतो आहोत, त्याचा मला निश्चित या ठिकाणी आनंद आहे. मी तर आपला लोकप्रतिनिधी आहे. 25-30 वर्षापासून आपण सर्वजण मला आशीर्वाद देत आहात. आणि बाबूजींना होता, आता मला आहे, काही हरकत नाही म्हणायला. बाबूजींचंही मलाच आहे, त्यामुळे काही अडचण नाही आहे. आणि आपणही बघतात की अतिशय शाळेत शिकत शिकत महाविद्यालयात गेलो. महाविद्यालयातून मग मी आधी संघामध्ये, RSS मध्ये, नंतर विद्यार्थी परिषदेमध्ये, नंतर भाजपमध्ये, असा माझाही प्रवास चाललेला आहे. आमच्या एका कार्यकर्त्यांनी इथे म्हटलं की आम्ही मुख्यमंत्री म्हणून बघतो, असं काही म्हणू नका. तुम्हाला कल्पना आहे असं काही म्हटलं की कसं कसं होतं. तुम्ही माझ्या हितचिंतक आहात ना, मग तसं तसंच राहू द्या. निश्चित माझ्या परीने सर्व कामं करण्याचं
प्रयत्न मी या ठिकाणी करतोय. जामनेर शहराचा आपण चेहरा मोहरा बदलतोय, तालुक्याचा चेहरा मोहरा बदलतोय, एक चांगलं काम करण्याचा संकल्प मी या ठिकाणी केला आहे. आणि आपणही बघतायत कशी परिस्थिती बदलते, कसा बदल होत चाललेला आहे, काय काय कामं चाललेली आहेत. हा एक राजकीय व्यासपीठ नाही किंवा माझी कामं सांगण्याचं हे व्यासपीठ या ठिकाणी नाही आहे. पण तो हा दिवस हा सुरेश भाऊंचा आहे. आज आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मनापासून सुरेश भाऊंना खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. आपण सुरेश भाऊंच्या सेंचुरीला सुद्धा सगळेजण आपण एकत्रित देऊया. निश्चित ज्यावेळेला सुरेश भाऊ 100 पूर्ण करतील त्यावेळेला सुद्धा आपण त्या कार्यक्रमामध्ये एकत्रित त्या ठिकाणी राहूया. आणि त्यावेळेला मी सुद्धा मी म्हणणार नाही, पण आपला प्रतिनिधी म्हणून मलाही संधी मिळाली पाहिजे एवढी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने मी भाऊंना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांचं गुडीशन त्यांचं आयुष्य त्यांचं तब्येत वगैरे आता चांगलीच आहे. मधल्या काळामध्ये थोडस अडचण आलेली होती, परंतु त्याची तब्येतही आता अतिशय खटणीत आहे, चांगली आहे. परमेश्वर त्यांना भरपूर दीर्घायुष्य द्यावं, त्यांची तब्येतही चांगली राहो अशी आपल्या सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा मी त्यांना देतो. आणि थांबतो. आर्थिक और व्यवस्था ये सब उन्होंने बैठा ली थी, फिर भी वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मेरे आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया. कुछ नहीं, पूरा बताया. मुझे दुख हुआ. सामान्य आदमी का इतना बड़ा काम करना, इतना बड़ा खर्चा करना. मैं तो सामान्य में हूँ और आपके साथ में हूँ, आपके जैसा ही हूँ. फिर भी उस दिन बुरा लगा, ठीक नहीं लगा. उनको बहुत विरोध किया, लेकिन आज वो चीज बदल गई. आज मुझे खुशी है, आज मुझे अच्छा लग रहा है. इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरी पहचान मुझे करवा दी. मेरी पहचान मुझे थी, उससे भी ज्यादा पहचान वक्ताओं ने और आपके उपस्थिति ने मुझे करवाई. मैं आप सबों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ. शब्द नहीं है और आगे कुछ ज्यादा बोलना उचित भी नहीं है. काफ़ी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जानकारी दी गई है. वही वापस दोहराना भी ठीक नहीं है. संघ ने मेरा सम्मान किया. मैं संघ की ओर से जो नारियल है और माला शाल आई है उसका स्वीकार करता हूँ. उन्होंने एक थैली दी है उसका भी स्वीकार करता हूँ. हो सकता है उसमें कुछ रकम होगी, हो सकता है, पूरा मालूम नहीं, लेकिन संभावना ऐसी है कि ऐसा खाली थैली देंगे नहीं. रतनलाल जी, बाबू जी, दोनों भाऊ सबों के हाथ से है. वह छोटी नहीं हो सकती, अच्छी होगी, जो भी होगी. मेरी ओर से, हमारी परिवार की ओर से उसमें 11,000 रुपए हम देते हैं. जो भी थैली है उसमें और 11,000 रुपए हमारी ओर से देते हैं. एक जगह से उसके लिए 25,000 रुपए आए हमारे, मेरे लिए आए हैं, वो भी मैं उसमें देता हूँ. एक जगह से मेरे लिए 25,000 रुपए आए हैं. मैंने तय किया, हमारे परिवार ने ऐसा तय किया है कि कुछ भी अपने को रखना नहीं है. सम्मान के हिसाब से शाल और माला के सिवाय कुछ रखना नहीं है. लेकिन ये 25,000 रुपए आए हैं उसका भी इसी थैली में हम समर्पित करते हैं. और ये थैली जो यहाँ ये अभी जिस स्थान में अपन बैठे हैं, स्थान निर्माण कार्य चल रहा है, यो थैली इसी निर्माण कार्य के लिए हम समर्पित करते हैं. मैं उप सभा हमारे धाड़ीवाल जी साहब है, कोठारी साहब से निवेदन करता हूँ, 1 रुपया यहाँ पधारे, ये थैली स्वीकार करें. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.